पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अचानक बिगड़ी डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत। कोविड 19 को लेकर समीक्षा बैठक करने डिप्यूटी सीएम पहुंचे थे। आनन-फानन में अधिकारियों ने मेडिकल टीम बुलाई। बैठक करने पहुंचे थे डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा बैठक के लिए आगरा पहुंचे थे, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। तो कोविड 19 की समीक्षा के लिए बैठक करने को डिप्यूटी सीएम आगरा पहुंचे, जिसके बाद अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो दिनेश शर्मा के लिए मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले आपको अपडेट दी थी कि आगरा और मथुरा के लिए डिप्यूटी सीएम रवाना हो चुके हैं, आगरा पहुंच चुके हैं, मथुरा भी जाना था उनको, जिसके बाद शाम तक, देर शाम तक लखनऊ वापस आने का भी उनका कार्यक्रम था। लेकिन इस बीच ये अपडेट सामने आई है कि डिप्यूटी सीएम की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। आगरा से हमारे सहयोगी नागेंद्र त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, कुछ ही देर पहले हमने अपने दर्शकों को यह अपडेट दी थी कि डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जो है वो आगरा पहुंच गए और कोविड 19 को लेकर समीक्षा बैठक करनी थी, लेकिन बीच में उनकी तबीयत से जुड़ी जो खबर आई है, क्या इस पूरी खबर से जुड़े तथ्य है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल है ना, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोविड 19 के तहत उस हिसाब से समीक्षा बैठक के लिए डिप्टी सीएम आगरा पहुंचे थे सर्किट हाउस में, उसके बाद मीडिया को प्रेस की बिल्कुल अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन सूत्रों की बात की जाए तो आप थोड़ी देर बाद मेडिकल टीम को बुलाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की तबियत खराब हो गई, उनके नाक से ब्लड निकलने लगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सर्किट हाउस पहुंची। नागेंद्र, जब सुबह दिनेश शर्मा अपने घर से निकले थे, क्या तब भी उनकी तबियत खराब थी, क्या इसके बारे में कोई खबर मिली है आपको? नहीं, बिल्कुल ना, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से तस्वीरों आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जब डिप्टी सीएम सर्किट हाउस आए थे उस समय बिल्कुल तबीयत उनकी सही थी, लेकिन सूत्रों की हवाले से बात आई है कि उनकी तबीयत बीच में मीटिंग के दौरान खराब हो गई थी। तो अब दिनेश शर्मा कहाँ है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो उनका इलाज कहाँ पर कर रही है इस वक्त, और बैठक होगी या नहीं होगी इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? बैठक पूरी स्थगित कर दी गई है और डिप्टी सीएम वहां से निकल चुके हैं और उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी निकल चुकी है। तो क्या वो वापस लखनऊ आ रहे हैं नागेंद्र? इस बारे में कुछ भी कहना दोहराया है कि अब मीडिया को बिल्कुल प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बहुत ही गोपनीय बैठक चल रही थी। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। तो एक मेडिकल टीम डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा के साथ है, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, अचानक उनकी नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अटेंड किया गया डॉक्टर्स द्वारा, और अब आगे क्या होगा, क्या कुछ प्लान है उनका, यह कुछ ही देर में खबर लगेगी और आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे।